हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे। और बच्चों, आप रिवीजन करते हो ना गुजराती का? ओके, तो बेटा अब तक हमने गुजराती में व्यंजन और स्वर सीखे, उसके बाद मात्रा वगैरह शब्दों सीखा। मात्रा वगैरह शब्दों में क्या होता है कि कोई भी मात्रा नहीं लगती शब्द के आगे पीछे या ऊपर, तो उसको सिंपल वर्ड्स बोलते हैं। अभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मात्रा ओड़खिए, यानी कि कोई भी शब्द के पीछे या ऊपर नीचे जो मात्रा कैसे लगाई जाती है, एक मात्रा कैसे बनती है वो सीखेंगे, और शब्द के ऊपर मात्रा लगाने के बाद उसको कैसे बोलना है वो सीखेंगे। ओके बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करें उसके पहले हम आज का सुविचार देखते हैं। तो आज का सुविचार है प्रार्थना ए आत्मानो खोराक छे। बच्चों, हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर हमको ज़िंदा रखना है। उसमें खाना खाने से हमको प्रोटीन्स, विटामिन्स सब मिलता है। इससे क्या होता है, हमारा बॉडी डेवलप होता है। इसी तरह हमारी जो आत्मा है उसको शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यस, प्रार्थना, प्रेयर। क्योंकि इससे हमें अच्छी राह और उसको उसके ऊपर चलने के लिए आत्मबल मिलता है। प्रार्थना का मतलब होता है भगवान से डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आप कोई भी काम स्टार्ट करो या कुछ भी करो, उससे पहले हमेशा भगवान जी से प्रेयर करनी चाहिए। इससे हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है और हमें अपने काम में सफलता भी मिलती है। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं मात्रा कैसे बनती है। तो यहाँ पर हम पहला जो शब्द लेंगे वो बिना मात्रा वाला का शब्द लेंगे, सिंपल लेटर। ये है, क्या है ये? हाँ, अ। अ क्या है? स्वर है। तो अ प्लस अ इज इक्वल टू अ। बच्चों, यहाँ पर एक भी मात्रा यूज नहीं हुई है, ना इसके ऊपर, ना आगे, ना पीछे, कहीं पर भी। तो ये हमारा सिंपल लेटर है। अब ये अ से क्या हम शब्द बना सकते हैं? अ ज ग र, अजगर। दूसरा शब्द बताइए आप, क्या हो सकता है दूसरा? हाँ, अ म र, अमर। है ना बच्चों, ये एकदम इजी, जो हमने बिना मात्रा वाले शब्द देखे उसमें से ही है। बट इसी शब्द को हम व्यंजन में यानी कि वोवेल में कैसे बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं। ये हमारा लेटर है क, क प्लस अ। अभी यहाँ पर हमने क में से अ को निकाल लिया। मैंने आपको आगे समझाया था कि जो वो व्यंजन होते हैं उसको हमें उच्चारण के लिए स्वर की ज़रूरत पड़ती है, तो हर एक व्यंजन के अंदर स्वर छिपा होता है। बट यहाँ पर हमने क से अ को अलग किया है, तो यहाँ क के नीचे हलंत का चीन लगेगा। क प्लस अ इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें पूरा क मिलेगा। अभी हमने क के अंदर अ को ऐड किया तो यहाँ पर हमें कंप्लीट क मिला, तो ये जो हलंत का चीन है वो यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर क ने अनी मात्रा, अनी मात्रा मतलब ना ऊपर ना नीचे, कहीं पर भी कोई भी मात्रा नहीं लगेगी, सिंपल वर्ड है। तो क से हम कौन सा शब्द बना सकते हैं? हाँ, क म ड, कमल। और बताइए आप, क से कौन सा सिंपल लेटर बनता है? यस, क द म, कदम। तो ये हमारा क को अ की मात्रा यानी सिंपल लेटर यहाँ पर मिला। अब हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, अ के बाद अब हम देखेंगे आ की मात्रा, आ की मात्रा कैसे बनती है।
ये है हमारा अ अ प्लस स्टैंडिंग लाइन। ये जो लाइन है स्टैंडिंग लाइन वो है आ की मात्रा की निशानी। अ प्लस स्टैंडिंग लाइन इज इक्वल टू आ। क्या किया हमने, अ के साथ हमने ये जो स्टैंडिंग लाइन है उसको ऐड किया। अ प्लस स्टैंडिंग लाइन इज इक्वल टू हमें क्या मिला आ। तो आ से हम शब्द बनाएंगे आ स न। अने आनी मात्रा आ, सने अनी मात्रा स, नने अनी मात्रा न, आसन। बच्चों यहाँ पर हलंत का चिन्ह इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि अ है वो स्वर है और स्वर को उच्चारण करने के लिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में कंप्लीट होता है। दूसरा शब्द है अ, अने आनी मात्रा आ, द ने अनी मात्रा द, त ने अनी मात्रा त, आ द त, आदत। अभी इसी तरह से हम ये जो आ की मात्रा है उसको व्यंजन में ज्वाइन करके शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक शब्द, एक व्यंजन लूंगी, कोई भी, वो मैं लूंगी ग, ठीक है। तो यहाँ पर ग में हम आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाएंगे, ग प्लस आ इज इक्वल टू गा। क्या किया हमने, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि व्यंजन जो होता है वो स्वर के बिना उसका उच्चारण नहीं होता, तो यहाँ पर हमने ग से आ को अलग किया है अभी, तो ग के नीचे हलंत का चिन्ह लगेगा। अभी इसको हम आ को ग के अंदर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा गा। ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो हमने ग में ऐड की, एक स्टैंडिंग लाइन ऑलरेडी ग में है और एक हमने ऐड की, तो ये बन गया गा। तो गा से हम शब्द बनाएंगे ग, गने आनी मात्रा गा, यने अनी मात्रा, नने अनी मात्रा, गा य न गायन। इसी तरह हम दूसरा शब्द लेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे क, ओके। तो क में आ की मात्रा, क प्लस आ, क में आ की मात्रा लगेगी तो क्या लगेंगे क प्लस आ की मात्रा। यहाँ पर क के अंदर हमने आ की मात्रा लगाई तो क्या बना का। यहाँ पर शब्द बनेगा क ने आनी मात्रा का, ग ने अनी मात्रा ग, अड़ ने अनी मात्रा अड़, का ग अड़ कागल। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा आ की मात्रा। आ के बाद अब हम देखेंगे ई की मात्रा। हमारे जो स्वर है उसमें दो ई आते हैं, एक होता है छोटा ई और एक होता है बड़ा ई। ये है छोटा ई, इसको बोलते हैं ह्रस्व ई। छोटे ई की मात्रा जो होती है वो उसकी निशानी है ये है छोटे ई की, ह्रस्व ई की निशानी। अब हम जब एक तो हम डायरेक्ट ई से शब्द बना सकते हैं और दूसरा होता है जब व्यंजन में हमें ई की मात्रा लगानी होती है तो ये जो मात्रा होती है ऐसे लगती है, इसकी निशानी होती है ऐसी, और ये हमेशा लेटर के आगे लगती है। तो आइए पहले देखते हम ई से बना हुआ शब्द, ई य अड़, ई अड़। क्या बना ई से ई अड़, ओके। अभी हम ये ई की मात्रा यूज करके व्यंजन में कैसे शब्द बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पर मैं व्यंजन में से शब्द लूंगी द, दड़ानो द,
यहाँ पर हलंत का चिन्ह, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर जो ई या कोई भी जो वोवेल है, स्वर है, वो ऐड नहीं किया है, इसलिए अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर द में हम ई की मात्रा लगाएंगे, ये है ई की मात्रा, तो हमें क्या मिलेगा, द प्लस ई की मात्रा इज इक्वल टू हमें मिलेगा डी। जो द था वो बन गया डी। अभी द डी से हम एक शब्द बनाएंगे, द ने इनी मात्रा। देखो बच्चों, यहाँ पर छोटे ई की मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा है, तो वो जो हमारा लेटर है उसके पहले लगेगी, डी व स, डी व स, डीवर्स। इसी तरह हम दूसरा शब्द ले लेंगे, हम लेंगे क, क प्लस छोटी ई की मात्रा यानी ह्रस्व ई की मात्रा, तो क प्लस ई की मात्रा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये क है हमारा, मात्रा कहाँ पे लगेगी छोटे ई की, यस लेटर के आगे, तो ये हमारा क से क्या बन गया, क प्लस ई की मात्रा इज इक्वल टू की। तो क से हम कौन सा शब्द बनाएंगे, क, क ने इनी मात्रा की, र ने अनी मात्रा र, हण की र, हण किरण। तो ये हो गई हमारी छोटे ई की मात्रा। अभी हम आगे की मात्रा अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट पीरियड में।